आज मैं आपके साथ एक लीटर दूध से बिना मैदा और बिना मावा यूज़ किए हुए एकदम परफेक्ट सॉफ्ट गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी हेल्दी फूड। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लीटर दूध एक कढ़ाई में ले लिया है। अभी हम मीडियम फ्लेम पे उसको अच्छे से उबलने देंगे। दूध को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, उसकी वजह से दूध नीचे चिपकेगा नहीं। 20 से 25 मिनट तक दूध अच्छे से उबलने के बाद आप देख सकते हैं उसकी क्वांटिटी आधे से कम हो गई है और दूध अच्छा गाढ़ा हो गया है। साइड की मलाई हम ऐसे चम्मच से स्क्रैच करके वो दूध में मिक्स कर लेंगे, उसकी वजह से दूध जल्दी से गाढ़ा होने में हेल्प होती है। अभी हम और 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे दूध को अच्छे से उबलने देंगे। हम बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि दूध बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकना चाहिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दूध अच्छा गाढ़ा हो गया है और हमारा मावा रेडी हो गया है। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। मावा ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं एकदम खुला खुला मावा बन गया है। हमें गुलाब जामुन बनाने के लिए चिकना मावा चाहिए, इसीलिए हम उसको थोड़ा मिक्सी में पीस के ले लेंगे। मावा मिक्सी में पीसने के बाद आप देख सकते हैं एकदम चिकना मावा बन गया है। अभी हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। एक बड़े बाउल में मावा ले लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून गेहूँ का आटा डाल देंगे, 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल देंगे। अभी हम सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको अच्छे से मसल के ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब दूध लिया है। हमें ये डो एकदम चिकना करना है। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से हमारे गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। हमें डो इतना चिकना करना है जब हम ऐसे गोल बनाएंगे तो उसको एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुलायम डो बन गया है। अभी हम इसको ढक के साइड में रख देंगे और चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन में 1 कप चीनी ले ली है। अभी हम उसमें 1 कप पानी डाल देंगे। चाशनी को अभी हम चीनी मेल्ट होके अच्छा उबाल आने तक पका लेंगे। आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 इलायची ऐसे खोल के डाल दी है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम चाशनी में 2 बूंद नींबू का रस डाल देंगे, उसकी वजह से उसमें शुगर क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं चाशनी में अच्छा उबाल आ रहा है। अभी हम 1-2 मिनट के लिए चाशनी को उबलने देंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। चाशनी बन गई है, अभी हम इसको साइड में रख देंगे। अभी हम गुलाब जामुन का डो अच्छे से मसल के ले लेंगे और उसके छोटे साइज़ के ऐसे बॉल्स बना के ले लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि इसको क्रैक्स ना आए। हम अच्छे से ऐसे मसल के उसका बॉल बना लेंगे। गुलाब जामुन की साइज़ आप आपके हिसाब से छोटी या बड़ी रख सकते हैं। मैंने सारे बॉल्स बना के ले लिए, अभी हम उनको तल लेंगे। गुलाब जामुन तलने के लिए मैंने यहाँ पे घी अच्छे से गर्म करके ले लिया है। अभी हम उसमें ये बॉल्स डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम उनको तल लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। हम गुलाब जामुन को कंटिन्यूसली ऐसे चम्मच से चलाते रहेंगे, उसकी वजह से गुलाब जामुन सब साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। आप देख सकते हैं गुलाब जामुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अभी हम उनको निकाल लेंगे और उसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और बाकी के गुलाब जामुन हम ऐसे ही तल के ले लेंगे। गुलाब जामुन थोड़े ठंडे हो गए हैं, अभी हम उसको चाशनी में डाल देंगे। हम गरम गरम गुलाब जामुन अगर चाशनी में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा चाशनी पी लेते हैं और बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, इसीलिए हम गुलाब जामुन तलने के बाद थोड़ा ठंडा करके उसको चाशनी में डाल देंगे। 10-15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं गुलाब जामुन ने अच्छे से चाशनी पी ली है। गुलाब जामुन हमारे रेडी है। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट गुलाब जामुन बन गए हैं। ऐसे ही इजी और क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।